जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने देखा कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका कितना फोकस है पावर सेक्टर के ऊपर। और हमने देखा है कि कुछ सालों से हमें पावर सेक्टर से बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप भी पावर सेक्टर के कुछ अच्छी कंपनियों में निवेश करने की सोच रहे होंगे, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो ऐसे कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं जो आज भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और इनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही शानदार है। तो चलिए बिना देरी के जान लेते हैं कि कौन से हैं वो शेयर जिनमें हम 2024 में निवेश कर सकते हैं जो कि पावर सेक्टर की कंपनियां हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले बात करेंगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड की। हमारा पहला शेयर या हमारा पहला कंपनी होने वाला है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड पावर सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी है। तो सबसे पहले हम पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में ही जानेंगे और सबसे पहले पीटीसी इंडिया लिमिटेड की रिटर्न चेक करेंगे कि पिछले दिनों हमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड से किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मुख्य मुख्य बातें ही हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बातें नहीं करने वाले हैं। अगर हम डिटेल में बातें करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले रिटर्न चेक करते हैं और एक हफ्ते का रिटर्न, वन वीक का रिटर्न सबसे पहले चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वन वीक में हमें लगभग 4% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है और बात करें एक महीने की तो देख सकते हैं 26% से ज़्यादा का रिटर्न है और बात करें एक साल की तो देख सकते हैं 166% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर एक साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपये निवेश किया होता तो आज उसका पैसा लगभग 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया होता। यानी कि इस कंपनी ने 2.5 गुने से ज़्यादा हमारे पैसे को एक साल में ही कर दिया है। और इसी तरह से अगर 5 साल का रिटर्न चेक करें तो देख सकते हैं 5 साल में 222% का रिटर्न दिया है। यानी किसी व्यक्ति ने इस कंपनी में 5 साल पहले अपना पैसा निवेश किया होता तो उसका पैसा लगभग 3.5 गुना से ज़्यादा हो गया होता। देखिए दोस्तों अगर हम कहीं पैसा निवेश करते हैं, 5 साल का समय देते हैं और अगर हमारा पैसा 2.5 गुना 3 गुना के आसपास में हो जाता है तो इसे अच्छा रिटर्न बोला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में इस कंपनी ने हमारे पैसे को लगभग 3 गुना से ज़्यादा कर दिया है। ये तो हुआ कि अगर हम एक बार पैसा निवेश करते हैं तो, लेकिन अगर हम SIP के माध्यम से निवेश करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे डीमैट अकाउंट में SIP के माध्यम से स्टॉक्स खरीदने का ऑप्शन आ गया है तो चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम SIP के माध्यम से इस कंपनी में निवेश किए होते तो हमें कितना रिटर्न मिल रहा होता। तो मैं यहाँ पे SIP पे क्लिक कर रहा हूँ और अपने क्रसर को एकदम से किनारे में ले जाऊँगा, एकदम से लास्ट में ले जाऊँगा। यहाँ देख सकते हैं 29 मार्च 2019 को अगर हम 100 रुपये के SIP कर रहे होते और अब मैं क्रसर को एकदम से साइड में ले जाऊँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम 29 मार्च 2019 को SIP शुरू किए होते तो ऐसे में हमारा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ होता वो 6000 होता, यहाँ पे भी डिटेल दिख रहा है, और वैल्यू बन गई होती 19495 रुपये की और टोटल रिटर्न जो हमें मिला होता वो 224 ऑलमोस्ट 225% के आसपास का मिला होता। तो ऑलमोस्ट हमारा पैसा ऐसे भी 3 गुने के आसपास में हो जा रहा था। तो देखिए दोस्तों जब हम स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो एक बार तो पैसा डालते ही हैं, अब हमें बहुत जगह पे ऑप्शन ये भी मिलता है कि SIP के मोड में भी हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो मर्जी आपकी है, अगर आप चाहें तो एक बार में भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो SIP के मोड में भी खरीद सकते हैं। अब देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको लेना होगा तो थोड़ा सा एक बार ही आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। ऐसे में मुझे जो कंपनी अच्छी लगती है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ एज अ नॉलेज। रेकमेंडेशन मेरी कोई नहीं होती है कि आप इसी कंपनी में निवेश कीजिए ही कीजिए। अब चलिए कुछ और भी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो लगभग 13.5 का है। तो कह सकते हैं कि आज भी हमें अच्छे खासे सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी उपलब्ध है। 13.5 का PE, अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में कितना ज़्यादा तेजी आया हुआ है, उसके बाद भी ये कंपनी 13.5 के PE पर अवेलेबल है। वहीं पर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो देख सकते हैं लगभग 3.25% का डिविडेंड यील्ड है। इतना तो हमें सेविंग बैंक अकाउंट में रिटर्न भी नहीं मिलता है, ब्याज भी नहीं मिलता है जितना ये कंपनी डिविडेंड यील्ड दे रही है। तो ये अच्छे खासे PE रेशियो पर अवेलेबल है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। वहीं पे सेक्टर PE की बात करें तो 30 से ज़्यादा का सेक्टर PE है और कहाँ हमारा कंपनी सिर्फ 13.5 के PE पर अवेलेबल है। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास का है और हमारा कहाँ कंपनी देख सकते हैं कि 3.25% के आसपास में डिविडेंड दे रहा है। तो सस्ता भी है और डिविडेंड अच्छा दे रहा है। और इस कंपनी को 2 एनालिस्ट कवर करते हैं, दोनों की ही राय है, 100% राय है कि इस कंपनी में हमें बाइंग करनी चाहिए। और बाकी की देख सकते हैं दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर्स, अब कंपनी है, कामकाज करती है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आता ही है, तो ऐसे में बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल भी इस कंपनी के अच्छे ही हैं, ठीक ठाक हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में स्टेक लिया है या नहीं,
तो आप यहां देख सकते हैं, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप जो इंडेक्स फंड है उसमें इस स्टॉक्स का एक्सपोजर है, और वहीं पे देख सकते हैं ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में भी ये स्टॉक्स है। तो यहाँ पे हमें दो टॉप के फंड देखने को मिल रहे हैं जिन फंड के अंदर में इस स्टॉक्स का एक्सपोजर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये कंपनी ठीक ठाक है, निवेश किया जा सकता है। लेकिन अगेन बोल दूं कि अभी ये थोड़ा सा तेजी हो गया है, हमें देखने को तो मिल रहा है कि पी रेशियो कम है लेकिन इसका रेट थोड़ा सा बढ़ गया, तो इंतजार कीजिए, जब जब गिरावट आता है तब तब एक एक दो दो स्टॉक्स ले सकते हैं। बाकी की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं 16% से ज्यादा का है, और यहाँ पे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर का देख सकते हैं लगभग 6% से ज्यादा का है, यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देख सकते हैं लगभग 28% से ज्यादा का विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में पैसा लगा के रखा है, उनको इतना विश्वास है। अब सोचिए, और हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका देख सकते हैं 48% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को देख करके तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर हम पावर सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक अच्छा चॉइस हो सकता है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो अब हम अपनी अगली कंपनी दूसरी कंपनी को देख लेते हैं कि उस कंपनी में हमें किस तरह का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हमारी दूसरी जो कंपनी है वो होने वाली है NHPC। देखिए दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था उस समय ये जो शेयर है वो 100 रुपये से अंदर का था, फिलहाल इसका रेट बढ़ गया है इसलिए यहाँ पे अब ये 100 रुपये को टच कर गया है। जैसा कि हमने पहले अपने कंपनी जो शेयर्स थी पीटीसी इंडिया लिमिटेड उसका रिटर्न चेक किया था, तो इस कंपनी का भी हम सबसे पहले रिटर्न ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक हफ्ते का रिटर्न चेक करते हैं। तो एक हफ्ते में देख सकते हैं कि इस कंपनी ने बहुत शानदार लगभग 18% का रिटर्न दिया है। बात करें एक महीने की तो एक महीने में 48% का रिटर्न है, बहुत ही शानदार कह सकते हैं। और बात करें एक साल की तो देख सकते हैं 144% का रिटर्न दिया है, तो इसे भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिटर्न, मतलब एक साल में हमारा पैसा लगभग 2.5 गुने के आसपास हो गया। और वहीं पे अगर बात करें 5 साल की तो देख सकते हैं 299% का रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल में हमारे पैसे को इस कंपनी ने 4 गुना कर दिया। अगर हम इस कंपनी में 5 साल पहले अपना पैसा लगा कर रखते तो हमारा पैसा आज लगभग 4 गुने के आसपास हो गया होता। तो सोचिए दोस्तों, इतना शानदार रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। और इसी तरह से अगर SIP की बात करें कि SIP के मूड में हमने निवेश किया होता तो मैं अपने क्रशर को एकदम से साइड में ले जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मार्च 29, 2019 लिखा हुआ है, उस समय अगर 100 रुपये के हम SIP करते और अब मैं अपने क्रशर को एकदम से किनारे ले जा रहा हूँ तो ऐसे में हमारा इन्वेस्ट होता 6000 रुपये। ये दोस्तों 60 महीने का दिख रहा है, 5 साल का दिख रहा है, और हमारी टोटल वैल्यू बन गई होती, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 20,760.90 रुपये का, और 246% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो लगभग 3 गुना से ज्यादा हो गया अगर हम SIP के मोड में भी निवेश किए होते। तो चलिए हम और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी कंपनी जो है वो लगभग 23.5 के पी पर अवेलेबल है, तो आप बोल सकते हैं कि ये भी कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, इसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 23.5 का पी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। अभी हमने देखा है कि पावर वाले कंपनी कई तो 200 के पी पर भी ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी इसका भी देख सकते हैं 2% से ज्यादा का है, सेक्टर पी अगेन देख सकते हैं कि 30 से ज्यादा का है और इस कंपनी का 23 के आसपास में है, और वहीं पे देख सकते हैं सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.5% का है और इस कंपनी का 2% का है। तो आप बोल सकते हैं कि इन पैरामीटर्स को देखते हुए तो लग रहा है कि ये कंपनी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। वहीं पे देख सकते हैं कि इस कंपनी को लगभग 6 एनालिस्ट कवर करते हैं, उसमें से 83% लोगों की राय है कि इस कंपनी में बाइंग करके चलनी चाहिए। अब चलिए हम और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, हम ये चेक करेंगे कि इस कंपनी में भी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है या नहीं। तो पहले आप फाइनेंशियल देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कंपनी है, कामकाज करती है तो थोड़ा सा 19-20 तो होता ही है, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए भी लग रहा है कि फाइनेंशियल ठीक ठाक ही है इस कंपनी का। अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग इस कंपनी में है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे देखिए लगभग 70% से ज्यादा का है, म्यूचुअल फंड 8% से ज्यादा एक्सपोजर लेकर के रखे हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देख सकते हैं 1.25% के आसपास में है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाहर देश के निवेशक हैं वो उन लोगों ने भी लगभग 7.5% का यहाँ पे एक्सपोजर लेके रखा है, रिटेल देख सकते हैं लगभग 8.25% का है। म्यूचुअल फंड चेक कर लेते हैं, देखिए दिग्गज कंपनी प्राइवेट सेक्टर की जो HDFC म्यूचुअल फंड है उनका जो एक फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें जो AUM साइज है मुझे लगता है दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज्यादा AUM साइज इसी फंड का हो गया है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का लगभग 70,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है और उस म्यूचुअल फंड में इस स्टॉक्स का एक्सपोजर है। वहीं पे देख सकते हैं SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में भी ये स्टॉक्स देखने को मिलता है, ICICI पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी ये स्टॉक्स देखने को मिलता है, ICICI पोटेंशियल मल्टी कैप में भी ये फंड देखने को मिलता है,
फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड में भी ये स्टॉक्स देखने को मिलता है। तो टॉप के ये 5 वो फंड हैं जिन्होंने अपने फंड में इस स्टॉक्स को होल्डिंग दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे और भी म्यूचुअल फंड हैं जिनमें इस स्टॉक्स का हमें होल्डिंग देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है दोस्तों कि अगर हम पावर सेक्टर के किसी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये दो कंपनी अच्छे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहला कंपनी आपको पीटीसी इंडिया लिमिटेड और दूसरा कंपनी मैंने आपको बताया एनएचपीसी। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर वो भी पावर सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी निवेश कर पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।